आज खाने का इंतजाम नहीं है, भर पेट खाना भी नहीं खा सकते। आज यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी। और जिस समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं भुखमरी से लड़ना था जिस भारत को, यहां की सरकारों को वो इंतजाम करने थे, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए। आज भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे छूट गया है। तो जो लोग सपना दिखा रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और हमारे लोग भूखे सो जाएं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में ये आंकड़े निकल करके आए कि सबसे कम वजन के बच्चे अगर कहीं है तो भारत में है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। ये आंकड़े अगर आए तो ये आंकड़े इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पर चल रहे। और ये वही सरकार है जिसने कहा कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे, खाने का इंतजाम अच्छा करेंगे। जो लोग कहते हैं कि गरीबों को हम इतने बड़े पैमाने पे गेहूं, इतने बड़े पैमाने पे हम चावल दे रहे हैं, ये कौन सा गेहूं, कौन सा चावल दे रहे हैं जिससे कि आज हमारे देश के बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो बच्चों को हफ्ते में एक दिन दूध देने का इंतजाम किया जाता था। जो हमारे गरीब लोग थे, समाजवादी पैकेट बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जब बांटा जा रहा था तो उसमें घी, 1 किलो घी, 1 किलो मिल्क पाउडर का भी इंतजाम किया जाता था जिससे कि हमारे गरीब परिवारों को पर्याप्त तो अच्छा भोजन मिल जाए, न्यूट्रिशनल फूड मिल जाए उनको। मुझे याद है जिस समय मथुरा के किचन का अक्षय पात्र का उद्घाटन हुआ था, जब वहां की संस्था ने कहा कि वो बच्चों को गर्म खाना दे सकते हैं और ऐसा खाना भी उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी, उसी समय समाजवादी सरकार ने फैसला लिया और 10 किचन और उत्तर प्रदेश में बन जाएं। उनका पैसा बजट से दिया गया, लेकिन आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किचन बनाई थी उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं किचन नहीं बन पाई। जो बच्चों को दूध मिलता था, जो बच्चों को फल मिलता था, वो तो बंद किया ही किया, लेकिन बच्चों की पूरी पढ़ाई चौपट कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। आज पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। अगर बच्चों का भविष्य ना अच्छा हो और फिर जो नौजवान पढ़ लिख ले उसकी भविष्य की चिंता ना हो तो ये सरकार में कैसे रह सकते हैं। इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों में, विज्ञापन में तो अच्छे लगते हैं, और आपने ठीक कहा, ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं, सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहां के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। मुझे याद है इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं, और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था, उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूं कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं, वो आंकड़े कहां है, वो सूचियां कहां है, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने। ये सरकार किसान के खिलाफ है, और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे, और टायर से अगर कुचल दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो न्याय को कुचल देंगे। इसलिए मैं आप सब साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब निकल पड़े हैं इस देश का संविधान बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए। किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमें कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है, अन्न उत्सव मनाते हैं, अन्नदाता हमारा,
और उसका इतना अपमान, उसे आतंकवादी कह देना, उसे मवाली कह देना, और आज तक गन्ने का बकाया नहीं दे पाई सरकार, अभी भी गन्ने का बकाया है। बिजली कितनी महंगी हो गई, अभी त्योहार मन गया लेकिन बिजली का संकट रहा, बिजली नहीं उपलब्ध करा पाए। कहने को दावा करने को तो कहने लगे कि हम पर यूनिट 70 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आपने मुनाफा किसको पहुंचा दिया? अगर आपने सही समय पर कोयले का इंतजाम किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को त्योहार पर भी बिजली मिल जाती, त्योहार पर भी बिजली नहीं दे पाए। इसलिए सरकार को हटाने के लिए, और सरकार के पास है ही क्या, नाम बदलना, नाम बदलना सरकार को, नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना, और अकेले में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की बोलने की प्रैक्टिस करना, और जैसे औरों के नाम बदले गए हैं, जैसे औरों के नाम बदले गए हैं, हो सकता है आसानी के लिए प्लांट का भी नाम कमल प्लांट कर दिया जाए, थर्मल प्लांट की जगह कमल प्लांट नाम रख दिया जाए। इसलिए हम सभी आज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके आने से न केवल मनोबल बढ़ा है, समीकरण जो हिसाब किताब लगाती है सरकार, और जो तमाम सर्वे और सर्वेक्षण होते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी अब निकल पड़ी है सरकार बनाने के लिए। और जनता नाराज इतनी है कि जिस तरीके से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, ये सिलेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं, लखनऊ में 100 से पार हो गया पेट्रोल की, नहीं हो गया, बताइए हमें, आपको सबको पता है कि 100 से पार हो गया, न मुख्यमंत्री जी को पता है, न मंत्री जी को पता है, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को नहीं पता कि पेट्रोल 100 से पार हो गया लखनऊ में। सोचिए आप, हमें आपको सबको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी को नहीं पता कि 100 से पार हो गया पेट्रोल। तो जब नहीं पता है तो ये सरकार कर क्या रही है आखिरकार? इसलिए मैं एक बार फिर आए हुए सभी समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, जो इस हॉल में हैं, हॉल के बाहर हैं, मैदान में हैं, छोटे हॉल में, उन सब का मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अभी नारे मत लगाइए, सभी से हमारा निवेदन है कि नारे न लगाएं, अगर कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम चलें। अभी एक गाना लॉन्च होना है, शायद हो गया लॉन्च, किसने कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कई जगह पेट्रोल 100 से ऊपर पार हो गया है। सवाल आज जनता का सवाल यह है कि हर चीज उन्हें महंगी खरीदनी पड़ रही है, केवल पेट्रोल नहीं, डीजल की कीमत जो बढ़ी है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? जो एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, उसका क्या जवाब है? जो सरसों का तेल, मैं अभी बुंदेलखंड गया था, और मैं बुंदेलखंड के किसान भाइयों को और वहां के नौजवानों को कह के आया हूं कि हर जिले में मंडी बनी थी, जब से 3 काले कानून आ गए हैं भारत सरकार के, मंडियां रोक दी गई हैं, मंडियों का काम रोक दिया गया, उनका निर्माण नहीं हो रहा है, आखिरकार किसान को कहां मिलेगी उसकी कीमत? बुंदेलखंड हमारा ऐसा है जहां पर तिल, सरसों, सोयाबीन और तमाम ऐसी फसलें हो सकती हैं,
समाजवादी सरकार बनेगी, हम विशेष योजना चला करके तिल, सरसों और सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों को क्या मदद पहुंचाएं और मंडियों में क्या सुविधा दें कि जब हमें सरसों का तेल, तिल का तेल वहीं का वहीं बना दें और सीधा बाजार में पहुंचा दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि सरसों का तेल 200 रुपए पार हो गया। और अगर भारतीय जनता पार्टी से आप पूछेंगे सरसों का तेल क्यों महंगा हो गया, तो वो कहेंगे कि सरसों के तेल पे हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरसों का तेल महंगा है। और मिलावट करने के लिए अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को सुविधा देने जा रहे हैं, मिलावट हो सरसों के तेल में, सरसों का तेल सस्ता हो जाए, इसलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत, सुविधा, सब्सिडी, ग्रांट या अलग से पैकेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिससे कि सरसों का तेल में मिलावट हो जाए और शुद्ध सरसों का तेल जनता को न मिले, वो मिलावट का सरसों का तेल खाएं, पिए, लें और उससे लाभ पहुंचा रहे बड़े लोगों को। तो क्या बीजेपी को नहीं पता ये जो बीजेपी के लोग हैं गुस्सा कौन करता है, जिसके हाथ से सब चीज फिसल जाती है। अब समय गया इनका, उनको पता है कि जनता बैठी हुई है कि कब इनकी कुटाई करने का मौका मिल जाए। वोटों से कुटाई होगी इस बार इनकी, वोटों से कुटाई होगी। किसका सम्मेलन कर रहे हैं? वो खुद ही पिछड़े नहीं है? वो क्या खुद पिछड़े हैं क्या? कौन आउटसोर्सिंग के लिए सर आप ये आउटसोर्सिंग अगर चलती रही और जिस तरीके से अभी इशारा किया आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी का इशारा दिया, एक कानून ने जो कंपनी व्यापार करने आई थी उसको सरकार बना दिया था, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में बैठ करके सरकारी कंपनियों को धीमे धीमे बेच करके पूरी कंपनी बना देंगे सरकार को। और एक दिन देखना आप ये सरकार से हट करके सरकार को भी आउटसोर्स करके चले जाएंगे। है? क्या चीज स्टेट का हेल्थ विजन सबसे खराब है, सपा की सरकार आई तो हेल्थ विजन क्या होगा? अब उद्घाटन पे उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था लखनऊ में, वो जब चल रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारा जो मेडिकल कॉलेज नेताजी ने हम लोगों ने बनाया था उसके 9th फ्लोर पे। तो जो लोग 4.5 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, कोविड के समय पर लोगों को अनाज छोड़ सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य सेवाओं की? इसलिए इनको हटाइए, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बेहतर करिए, समाजवादी सरकार लाइए जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर सकते। मैं जानता हूं वो क्या बहस चाहते हैं, मैं जानता हूं सरकार के लोग क्या चाहते हैं। जो तेल दियो में डलेगा उसकी कीमत क्या है, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते? जो दिए में तेल जलेगा, और इन इनकी सरकार के बारे में क्या कहें, जो जनता को कहा गया घी के दिए जलेंगे, जलाए सरसों के, वो मिलावट वाले दिए जलाए थे। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, धुआं उड़ाने वाले लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और जो किसान अपनी मांग करे तो उस पर टायर चढ़ा देंगे। मुझे आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं वो किस पार्टी के सदस्य हैं सदन में? तो सोचिए, जो सरकार शिलान्यास का शिलान्यास करती हो, उद्घाटन का उद्घाटन करती हो, तो आप जवाब नहीं समझ में आ रहा आपको? अखिलेश जी, जो महंगाई का प्रश्न आपने उठाया है उसके बारे में सरकार, केंद्र सरकार ये कहती रही है
कि हम गरीबों के जन कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं उसमें खर्चा बहुत आता है, इसलिए पेट्रोल के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे, डीजल के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे। क्या कहेंगे आपकी उधर से लेके इधर? तो गरीब जनता को साइकिल पे चलना चाहिए, हम धन्यवाद देते हैं। इस बार गरीब जनता साइकिल के साथ जा रही है। सौ करें वो 1000 करें, जनता इस बार उन्हें हटा देगी।